और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध मीट की दुकानों को लेकर बाल मुकुंदाचार्य के तीखे तेवर नजर आए हैं। तीखे तेवर बाल मुकुंदाचार्य के शुरू हो चुके हैं। अवैध मीट की दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं, फोन पर निगम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खुलेआम बिक रहे नॉनवेज को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बाल मुकुंदाचार्य जीत चुके हैं, प्रत्याशी बीजेपी के थे, ये जीत हासिल इनको हो गई है। अब उसके बाद इनके तीखे तेवर भी दिखने लगे हैं। अवैध रूप से जिन जिन दुकानों पर मीट बिक रहा है, नॉनवेज बिक रहा है, अब उसकी रिपोर्ट मांगी है जनाब ने, निगम और पुलिस अधिकारियों से फोन पर रिपोर्ट मांगी और कहा कि जो अवैध मीट बिक रहा है उसे बंद किया जाए। तो फोन पर क्या कुछ बातचीत की आप खुद सुनिए। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है महरानिया जी कौन अधिकारी है। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए और जो अवैध मीट बिक रही है दुकानों पर उसको बंद किया जाए। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लाल सिंह फौजदार, सत्ता आ चुकी है बीजेपी की राजस्थान में, बाल मुकुंदाचार्य भी जीत चुके हैं, प्रत्याशी थे बीजेपी के ये, लेकिन अब इनके तीखे तेवर दिखाई देने लगे हैं। जहां जहां पर अवैध दुकानें हैं मीट की, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, रिपोर्ट मांगी गई है इन्होंने अधिकारियों से। देखिए, बिल्कुल बड़ी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाल मुकुंदाचार्य पुलिस अधिकारी को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि उनको कोई भी अवैध दुकान सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। और दरअसल खैर, सत्ता आई है बात ठीक है, लेकिन ये इन्हीं मुद्दों से चुनाव भी लड़े हैं और इन्हीं मुद्दों से इन्होंने चुनाव को जीता भी है। कहीं ना कहीं अवैध मीट की दुकानों का मुद्दा, अवैध अतिक्रमण का मुद्दा इन्होंने लगातार उठाया है और उसके चलते ये लगातार कहीं ना कहीं इनको इसका फायदा मिला। अब चूंकि सत्ता में आ गए हैं, विधायक हैं, तो अपने उसी मिशन पर आगे। लाल सिंह रोकना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं बाल मुकुंदाचार्य फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका सच में धड़क में। नमस्कार विंजी, नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहले आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं सच में धड़क की तरफ से कि आप जीत चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपके तीखे तेवर जरूर दिखाई देने लगे हैं। आपने अधिकारियों को फोन किया, उन्हें हिदायत दी, उन्हें निर्देश दिए कि अवैध दुकानें जो लगी है मीट की, को हटा दिया जाए, रिपोर्ट मांगी है आपने। बहन जी, ऐसा है, अवामेल विधानसभा में चांदी की टकसाल से लेके और पूरा जलमहल तक जी, किसी भी जगह चले जाएं, रोड पर अवैध मांस मीट की दुकानें, बिरयानी की दुकानें वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं, खुल के डिजाइन करके सजा के बेचते हैं, और वो आधे ज्यादा बांग्लादेशी हैं और उनके पास में आईडी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और खुल के बेचना मना है। जिस तरीके से वो बेच रहे हैं हमारे सनातनियों का, हमारा धर्म खराब करने में लगे हैं वो लोग। यहाँ गोविंद देव जी के, तारकेश्वर जी के लोग आने वाले, पैदल आने वाले, जिनके वो मांस के टुकड़े रोज लगते हैं पाँव पे, और हड्डियां खाने के लिए कुत्ते जो बैठे होते हैं वो अटैक करते हैं, उससे यहाँ दुर्घटनाएं घटित हो रही है। और वो रोड पर 20-20 फीट जगह रोककर वहां लगा के बना के बेच रहे हैं, उनका लाइसेंस भी नहीं जी। बाल मुकुंद जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आपने ये मुद्दे को भी उठाया था और आपने कहा था कि भाई जो अवैध दुकानें मीट की लगी हैं उनको हटाया जाए, खुलेआम जो नॉनवेज बिक रहा है उसको बंद किया जाएगा। इसी विवाह पे आपने चुनाव भी लड़ा और आप जीत भी गए और उसको लेकर आप काम करना शुरू भी आज से शुरू कर दिया है आपने। सर देखिए, 2.5 लाख मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है जी, और 2.5 लाख मतदाताओं ने जो मुझे काम दिया है वो मुझे करना अभी से है। मुझे 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन का इंतजार नहीं है, मेरा स्वभाव है। मैं काम संगठन में भी ऐसे किया हूँ और मेरे ट्रस्ट के माध्यम से मैं बालाजी जनकल्याण के काम भी ऐसे किया हूँ, और सनातनी होने के नाते मेरा काम का स्वभाव यही है, तो मैं तो तुरंत एक्शन में काम आता ही आता हूँ। अच्छा बाल मुकुंद जी, जो बाकी लोग हैं कारोबारियों, दिक्कत नहीं होगी आपके इस डिसीजन से और इस तेवर से जो आप दिखा रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो अवैध है उनके बारे में चर्चा है, जिनको लाइसेंस मिला है, नियम अनुरूप काम करे, उनको क्यों चिंता है। ऐसी कितनी दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि आप तो खुद घूमकर आए हैं।
लगभग है 100-150 दुकानें लगी हुई है, जिस तरीके से आप यहाँ बता रहे हैं, आपने अधिकारियों से बात की है? मैं तो अधिकारी को ही कह रहा हूँ, आप तो जिनको लाइसेंस दिया उनकी लिस्ट ले आओ। ठीक है, यानी कि हाँ सर बोलिए, बात पूरी कीजिए सर। जिनको लाइसेंस दिया है उनकी लिस्ट ले आओ, अगर वो नियम अनुरूप कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और वो नियम अनुरूप नहीं है काम तो हमें आपत्ति है, क्योंकि वो रोड पर खुल के डिजाइन करके सजा के नहीं बेच सकते, ये नियम है। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप अधिकारियों से फोन पर बात कर रहे हैं और आपने उनसे पूछा कि भाई जो अवैध दुकानें लगी हुई हैं तो वाकई वो हटनी चाहिए क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। सही बात है आपकी, लेकिन आप ठीक है, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत क्या है? इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम उसे गलत नहीं ठहरा रहे हैं सर। आप कभी शाम को सुबह और शाम को आप चक्कर मारे जी, चांदनी की टकसाल से लेकर और जल महल तक आप जावे, मेरे बिना जावे बिना बताए जाए, और आप सच्चाई जाने क्या स्थिति है, 20-25 फीट रोड रोक के नॉनवेज सजा के वो बेच रहे, वो नियम में नहीं है। तो नियम में नहीं है वो। गलती फिर तो कांग्रेस की भी हुई ना, क्योंकि कांग्रेस के जहां जो विधायक थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तभी तो ये दुकानें थी सारी खुली हुई 100-150 जो आप हमें गिनतियां बता रहे हैं। देखिए, अब उनको तो डिलीट मार दिया जी, लेकिन जो हम आगे जिम्मेदारी हमारी बनती है तो हमने उनके बारे में चर्चा नहीं की है किसने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि अब जो है वो जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। अगर शाम तक रिपोर्ट नहीं आई तो क्या और एक्शन लेंगे आप फिर? मुझे तो विश्वास है कि हमारे अधिकारी जिम्मेदार हैं जी, और वो पूरी मदद करेंगे और काम को कराएंगे, और नहीं आई तो हम मौके पर जाएंगे और खुद उनकी मदद हम करेंगे। ठीक है, अभी अवैध दुकानों को लेकर आपके तेवर दिख रही है, आप एक्शन में आ चुके हैं यहाँ पर, तो क्या विकास को लेकर भी यही तेवर दिखाई देंगे? तो अच्छा भी लगेगा जनता को और बाकी सब लोगों को भी। खाली इंतजार है कुछ ऑफिशियल का, वो होने के बाद में आपको प्रतिदिन क्षेत्र में इसी प्रकार से काम होता आप देखेंगे, और रोड बनेगी तो रोड पे खुद खड़े रह के बनवाएंगे, ताकि उसमें रोड में बजरी ही सीमेंट ही लगे, बालू नहीं लगे। चलिए, यही उम्मीद आपसे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाल मुकुंदाचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय हमको देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।